first time that I'm happy. It's not the first time I feel good, but it's been a while since that happened. Knock on wood. I try to stay cool on the surface. I'd ask you to stay. हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। एक्चुअली गर्मी ऐसे नहीं है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है। टेम्परेचर वाइज गर्मी नहीं है बट ह्यूमिडिटी वाइज ह्यूमिड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड हो रहे हैं। तो जब भी क्लाउड्स होते हैं तो हर ही एरिया में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ तो डबल हो जाती है ह्यूमिडिटी। सो येस, एंड आज हम लोग थोड़ा ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग करके आए थे। तो यूजुअली हमारे यहाँ जो ग्रोसरी है वो ऑनलाइन हम मंगवाते थे, बट आज काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक 2 months बाद हम गए थे नीचे लेने के लिए। और यहीं हमारे सामने, हम ऐसे कहीं भीड़ भड़ाके वाली जगह पे नहीं गए थे, यहीं जो सोसाइटी में ही ग्रोसरी स्टोर है। सोसाइटी भी छोड़ो, हमारी बिल्डिंग के सामने ही एक ग्रोसरी स्टोर है, तो वहाँ से जाकर के लेकर के आए वेजीज, फ्रूट्स एंड बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो ऑनलाइन क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ सामान हमारा रह ही जाता था। तो मैंने विक्की को बोला कि आप जा करके वेजीज सारा कलेक्ट करना, और मैं फटाफट जा करके, मैं विक्की को इसलिए क्लोज्ड शॉप्स में नहीं जाने देती हूँ क्योंकि ये बहुत केयरलेस है, बहुत ज़्यादा केयरलेस है। ये बार बार 100 बार अपने मास्क पे हाथ लगाता है, ऊपर नीचे करता है। जैसे बच्चा हूँ, ये हमारे घर की दादी है, यही रानी है हमारे घर की। केयरलेस तो है ये, नो डाउट, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्लोज वाले उसमें मैं फटाफट जा करके करके आती हूँ। डबल मास्क पहनती हूँ, ये डबल मास्क भी कपड़े वाला नहीं पहनता, इसको घुटन होती है। हाँ बस ये इनको घुटन होती है मास्क पहनने में। उनका सोचो एक बार जो हॉस्पिटल में 12-12 घंटे पीपी किट पहन करके बैठते हैं। तो ठीक है, तो अभी क्योंकि हम नीचे गए थे तो आज जल्दी थोड़ा शावर वगैरह सब ले लिया है। आज मैंने हेयर वॉश किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे बालों में ना ऐसे टैंगल जम गई है। आज सैटरडे है तो एज सच अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, सैटरडे को हमारे कोई प्लान नहीं होते हैं। सो येस, लेट्स स्टार्ट द डे। एंड ऑल्सो विक्की की एक बहुत ही सही सी चीज़ आई है जिसको हम अनबॉक्स करेंगे। एंड क्या आया आपका? लेपिटॉपी आई है विक्की की फाइनली। सो विक्की का आया है लैपटॉप नया। एक्चुअली ये जो इसका टच स्क्रीन वाला जो लैपटॉप है, इसकी इसने पूरी तरह से 12 बजा दी है। अब तो इसमें क्या वो भी नहीं होता ना, स्पेस बार वगैरह सब कुछ ही उसका मतलब बैंड बज चुकी है। इन शॉर्ट बताऊँ तो भाई अभी क्या है, अभी थोड़ा खुला है, मतलब ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हो गई हैं मुंबई में, तो स्पेशली थाने में यहाँ पे तो हो रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा मंगवा लिया जाए, क्योंकि फिर काम करता है, उसको काम की चीज़ें हैं, पता चले ऐसे टाइम पे ख़राब हो जाए जब आप कुछ, कब सिचुएशन कैसी चेंज हो जाए। अब तो वो है, तो काम की चीज़ है, इसलिए उसको मंगवा लिया है। तो वो अनबॉक्स करेंगे। और मेरे बाल ना काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सेमी ड्राई, मतलब 70% पार्शली ड्राई हो चुके हैं। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है ना, जिसमें मैंने ये शो किया है कि ये क्या चीज़ है, भाई ये बॉम्ब चीज़ है, बॉम्ब ब्रश है, ये मैजिक ब्रश, बॉम्ब ब्रश, जो भी बोल लो इसको, बहुत अमेजिंग है। तो मैं इससे ही अभी अपने बालों को जो है डिटैंगल करूँगी। हेलो एवरीवन, सो अभी बज रहा है 4 बजने वाले हैं। तो दिन में मैं थोड़ा सा सो भी ली और वापस उठ गए, क्योंकि समटाइम्स होता है ज़्यादा नींद नहीं आती है दिन भर में। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना, ये जो आप डेकोर देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ इसको, थोड़े कलरफुल। अब अभी जैसे आप लोगों को पता है, मैं थोड़े दिन में जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो अभी मैं ये एकदम जो वाइट थीम चल रही है, इससे मैं थोड़ी बोर हो गई हूँ, क्योंकि समर्स चल रहे हैं तो थोड़े कलर्स वलर्स अच्छे लगते हैं समर्स में। आई नो समर्स में थोड़े लाइट कलर अच्छे लगते हैं, बट मैं थोड़ा कलरफुल करने का मेरा मन है, सो आई एम डूइंग दैट। और इसके लिए मैं थोड़ी सी फन रील बना रही हूँ, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करूँगी। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अभी तक फॉलो नहीं किया है, मेरे 2 इंस्टाग्राम हैंडल है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। एक है रुचि स्टाइल कॉर्नर, जिसमें मैं अलग तरह का कॉन्टेंट डालती हूँ, और एक है स्टाइल योर स्पेस विद ब्रुची, जिसमें डिकोर रिलेटेड कंटेंट होता है, DIYs और ये सारी चीज़ें होती है। उसमें हम कलर थीम हो गया, DIY हो गया, किसके पीछे क्या स्टोरी है, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो येस, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर एज वेल। और मेरा जो दूसरा कैमरा है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो ये मैं व्लॉगिंग के लिए रखूँगी, और ये वाला जो कैमरा है मैं रील के लिए रखूँगी, क्योंकि इसका ये वाला एंगल और इसका जो ये वर्टिकल वाला एंगल है ना, वो ज़्यादा अच्छा आता है। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अभी मैं चेंज वेंज कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, मतलब थोड़ा सा ठीक कर लिया अपनी शक्ल वकल, लिप बाम विप बाम लगा लिया है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, पहले मुझे कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ पर है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टोरेज है, इसके अंदर ही हमारा पूरा सामान रहता है। बट मैं ऑरेंज कलर के हिंट्स दे रही हूँ, ऑरेंज एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, जो मैंने पहले किया था, वो उसका काफ़ी सारा सामान मेरे पास है भी, तो मैं वही सेफर साइड उसी को ही फिर से अप्लाई करूँगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि कुशन कवर्स वगैरह चेंज कर देंगे, एंड थोड़े बहुत डेकोर पीसेस इधर उधर चेंज कर देंगे एंड फिर देखेंगे कर्टन्स भी चेंज करने का मैं सोच रही हूँ. तो इससे यू नो काफ़ी लुक जो है मुझे लगता है काफ़ी अच्छा चेंज हो जाएगा. सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Are fading out and we're dancing in the park. Nothing's wrong with when I start, cause you look better in the dark. Oh, counting days I made it through without someone like you. We're running out of light. Time is changing. ओके, सो मैंने अपने इस जो ये पिटारा है इसमें से सारा डेकोर, ऑल माई कर्टन्स, कुशन कवर्स आई केप्ट इन दिस स्टोरेज यूनिट. काफ़ी बड़ी है ये, मतलब ये देखिए इतना सब कुछ इतना रखने के बावजूद भी ये काफ़ी खाली रहती है. तो ये मच गई है क्योंकि मैंने ये सब ढूंढ के निकाल दिया है. सो दीज आर माई स्टफ़ जो कलर कॉम्बिनेशन में यूज़ करने वाली हूँ. नाउ आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट दीज टू पेंटिंग्स, मतलब इसको हटा दूंगी ऐसा मैं सोच रही हूँ. एंड ये जो कर्टन्स हैं इसको भी हटा देते हैं एंड इसको हटा के मेरे पास ऑरेंज कलर के कर्टन्स हैं एंड उसके साथ वाइट कलर के कर्टन का कॉम्बिनेशन बना देंगे सो दैट वो थोड़ा अच्छे से बैलेंस आउट हो जाए. एंड सम निक नैक्स जो होते हैं ऑरेंज एंड ब्लू कॉम्बिनेशन के ना, वो आई हैव टू फिगर आउट कि वो सब मैंने कहाँ क्या रख के रखा हुआ है. तो एक तो मैंने ये है एंड दूसरा जो ऑरेंज कलर का रखा हुआ है ना वो मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसमें से ये निकाल लूँगी. एंड एक सेकेंड बचा, मैं विक्की को बोल रही हूँ ये वाली लाइट चेंज कर दे क्योंकि ना अभी हमारे यहाँ जो मोस्टली लाइट आती है वो ये येलो लाइट ही आती है, वाइट लाइट का कोई वो ही नहीं है. तो विक्की अभी ये लाइट चेंज कर रहा है. ये जो बल्ब है ना ये वो वाला है, म्यूज़िक बल्ब है. तो वैसे ठीक है बट अभी जमता नहीं है, मतलब अभी हमारे पास एलेक्सा भी है, ये वाला म्यूज़िक बल्ब भी है, तो मोस्टली मैं एलेक्सा को ही प्ले करती हूँ तो इसलिए उसको हटा देते हैं. और वो ना लाइट बहुत कम देता है, मतलब एकदम ऐसे मिरर लाइट देता है, धीमी गति की वैसी लाइट देता है वो. मैंने कैमरे को सेटअप कर दिया है और मैं दिखाती हूँ आपको. तो ये देखिए, नहीं दिखेगा अभी, ये हमने हमारा कैमरा जो है वो सेट कर दिया है क्योंकि मुझे रील बनानी है. तो आई एम गोना डू इट इन दिस वे, मतलब इस तरह के डायरेक्शन में मैं शूट करूँगी. ये चालू क्यों है भाई? ओके, और बाकी सब चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं यहाँ पर साइड में. तो अब मैं फटाफट से चेंज करती हूँ. मैंने इसलिए पहले चेंज नहीं किया था क्योंकि मैं पूरी स्वेट में हो जाती, गर्मी है बाबा. सब मैं फटाक से चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. ओके गाइस, सो दिस इज़ माय कैमरा लोकेशन ब्लॉग वाला, और जो मेरा रील का कैमरा लोकेशन है वो इधर पर रखा हुआ है. मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने रख के रखा हुआ है. सो आई एम नॉट गोना स्पीक, वॉइस ओवर करूँगी मैं इसके ऊपर भी क्योंकि फ़ैन चल रहा है, फ़ैन के बिना तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकती हूँ. तो विक्की की हेल्प लगेगी मुझे बिकॉज आई हैव टू चेंज दीज कर्टन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई टेक फर्स्ट शॉट बिफोर कर्टन एंड देन आई टेक वन शॉट आफ्टर कर्टन. सो आई एम गोना कीप दिस कैमरा. बार बार कैमरे की प्लेसमेंट्स आई हैव टू चेंज, आई कीप ऑन चेंजिंग. ऐसे चुटकी बजा के चेंज हो जाए तो समझ जाइएगा उसके रील को बनाने के पीछे की मेहनत की है. नहीं पूरी नहीं, सिर्फ कर्टन चेंज कराने की. कुछ भी नई चीज़ नहीं खरीदी है, सब कुछ पुरानी जो चीज़ें थी मेरे पास उसी को बस रीअरेंज कर दिया है, दैट्स इट। तो काफ़ी न्यू एंड फ्रेश सा लग रहा है। आई एम जस्ट गोना चेंज क्विकली दिस ड्रेस, जीन्स और ये हटाती हूँ टी शर्ट, और जो मेरे घर के कपड़े हैं वो पहनती हूँ, क्योंकि ना जीन्स पहनने की आदत बिल्कुल जा चुकी है, तो अब पहना ही नहीं जाता है। हेलो एवरीवन, सो टूर देने के बाद मैं आज डायरेक्टली अभी मिल रही हूँ। रही है कि नहीं दिख रही है, मैं पूरी स्वेटिंग में हो रखी हूँ। सो एक्चुअली अभी मैं थोड़ा डांस प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, मेरी कुकिंग चल रही है। मैं आलू टिक्की सेक रही थी। तो आलू टिक्की को क्या होता है ना, जो फ्राई होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं धीमी आँच में उसको सेकती हूँ सो दैट क्रिस्प हो जाए वो थोड़ी। तो तब तक मैं क्या कर रही थी, मेरे मस्त 90s के जो सॉन्ग्स होते थे ना शाहरुख खान वाले, वो सब चला रही थी और उस पर ऐसे डांस मटक रही थी। तो पूरा मतलब विदिन 10 मिनट्स में मेरे को इतनी सही तरीके से स्वेटिंग आने लगी, जबकि मैं फ़ैन में कर रही थी। ऐसा नहीं कि मैं बिना फ़ैन के कर रही होंगी। ये हमारी टिक्की जो है वो हो चुकी है, और बाकी की जो दो हैं वो यहाँ हो रही हैं। हे गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर एंड अभी हम लोग डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद घर वालों से बात करते हैं, ऐसा हमारा रूटीन होता है। तो फटाफट से डिनर करते हैं। और ओके यस, कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब फिर मैं थोड़ा बोर हो गई थी, थोड़ा कलरफुल कर लिया है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड अब हम डिनर करते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, कल सैटरडे था तो आज संडे है। तो विक्की ने लैपटॉप ख़रीदा है, उसका लैपटॉप आया है नया, क्या है ये लेनोवो का लीजन वगैरह कुछ आया है, तो वो अभी अनबॉक्स करेंगे। क्योंकि 2 दिन से वो पड़ा ही हुआ था, डेली हम सोचते थे आज अनबॉक्स करेंगे कल अनबॉक्स करेंगे, बट देन फिर वो होता है ना शार लेने के बाद भगवान पे लगाना होता है, फिर ये सब करना होता है, तो वो ऐसे करते करते डिले हो गया कि अब करेंगे तब करेंगे, शाम को करेंगे कल करेंगे। तो वो 2 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था पैक, तो आज फाइनली हम लोग उसको अनबॉक्स भी करेंगे। एंड आज लंच बनाने वाली हूँ। संडे को तो वैसे मुझे कुकिंग करने में वो आता है, कंटाल आता है, बुरी तरह वाला कंटाल आता है ना, वो आता है। तो कंटाल मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मुझे लेजीनेस फील होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ काम ना करूँ, बस बैठी रहूँ, चिल मारूँ। इसीलिए मैं सैटरडे को घर भी क्लीन कर देती हूँ, फ्राइडे या सैटरडेज मेरा डे होता है जस्ट टू यू नो सॉर्ट इट आउट, सारे घर की चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, ताकि संडे मेरा फ्री रहे। बट काफ़ी दिनों से हम लोगों ने छोले नहीं खाए हैं, और मेरा खुद का भी छोले खाने का मन कर रहा है और विक्की का भी मन कर रहा है। तो छोले विक्की को बनाना नहीं आते हैं, बना सकता है वो, बट मैं वो रिस्क नहीं दे सकती हूँ उसको छोले बनाने वाला। तो आज मैं छोले बना रही हूँ। कल रात को हम लोगों ने गला दिए थे छोले। सो यस, छोले की रेसिपी मैं ऑलरेडी काफ़ी बार आई थिंक शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं आज में थोड़ा अलग तरीके का, पहले मैं अपने स्टाइल का छोले बनाती थी, बट अभी मैं सोच रही हूँ ये जो है ना पिंडी छोले होते हैं, पिंडी छोले मुझे बनाना नहीं आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सबके छोले बनाने का अलग अलग पैटर्न होता है, वैसे तो सेम ही बेस होता है छोले बनाने का, बट पैटर्न अलग अलग होता है, कुछ ट्विस्ट होते हैं। तो मैं कुणाल कपूर का वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है जिस तरह से उन्होंने बनाया, और मैं जो बनाती थी वो थोड़ा सा डिफरेंस है, 2-3 मसाला ऐड उन्होंने अलग किया हुआ है। तो आज मैं उस तरीके से छोले बनाने का ट्राई कर रही हूँ, पिंडी छोले जिसको बोलते हैं। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। छोले बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो चाय पत्ती होती है उसको उबाला है। यूजुअली मैं पोटली बना करके उबालते टाइम डालती थी छोलों में, बट हमने अभी पहले ही पानी उबाल लिया है। यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि धनिया लिया हुआ है, खड़ा धनिया, तेज पत्ता, सिनेमन लिया हुआ है, इलायची ली हुई है, लाल मिर्ची लिया हुआ है, जीरा लिया है, उसके बाद जावित्री ले रहे हैं, बड़ी इलायची ली हुई है, काली मिर्ची ली है, लौंग लिया है। इस तरह के कुछ मसाले ले लिए हैं। इनको अब ड्राई रोस्ट करना है, तो 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। जब खुशबू आने लग जाती जाती है तब आपको क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, ऐसा मैं नहीं करती थी। तो ये जो रेसिपी की मैंने बात करी थी ना, उन्होंने इस तरह से शेयर किया था। तो अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे एंड लिटरली इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राइंडर में ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये हमारा जो मसाला है ये अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें अब हम हल्दी पाउडर मिलाएंगे, साथ में आमचूर पाउडर भी मिलाएंगे एंड मिर्ची मैं ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी, हम लोग बहुत तीखा नहीं खाते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाला है, हींग डाला है और उसके बाद जो अनियंस हैं उनको एकदम बारीक चॉप किया था, मैशी स्टाइल में आप बोल सकते हैं, मतलब इसका पेस्ट नहीं बनाया, सिर्फ मैश किया था। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इसको पकने देंगे एंड देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी। हाँ, यहाँ पर हमने जो हरी मिर्ची होती है, लहसुन अदरक होता है, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और इसको जो मसाला है वो देखिए इतना ब्राउन हो जाना चाहिए, जो अनियंस है उतने ब्राउन हो जाने चाहिए। अब हम यहाँ पर ये पूरा जो हमने पेस्ट बनाया था, मतलब जो पाउडर तैयार किया था वो डाल दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि जल ना जाए। और विदिन 1 मिनट के बाद हम यहाँ पर जो टमाटो की प्योरी है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया है। हम इसको अच्छा पकाएंगे तो वो टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा लगता है ऐसे होने में, उस कंसिस्टेंसी से ये इस तरह से पकने में टाइम लगता है। धीमी धीमी गैस फ्लेम पे आपको करना होता है। यहाँ पर हमारे जो बॉयल छोले थे वो हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे, सॉल्ट आपको ऐड कर देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी है। और इसमें मैंने इमली भी थोड़ी सी ऐड करी थी इस पानी में। तो यस, ये हमारा जो छोले हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। लिटरली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मतलब इतनी बार मैंने छोले ट्राई करे हैं बट ये वाली रेसिपी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी एंड बहुत अच्छी टर्न आउट हुई थी ये। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे जिस भी कंटेनर में हमको ट्रांसफ़र करना है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, आप धनिया डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी धनिया ऐड कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं एक तड़का भी लगाऊंगी, तो ये मेरा कस्टमाइज तड़का है, इस तरह से तड़का बताया नहीं गया था। तो मैं क्या कर रही हूँ, घी और बटर का थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। तो यस, इसमें मैं थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो यहाँ पर हमने हल्की सी जो हरी मिर्ची है, एक हरी मिर्ची को मैंने डाल दिया है, साथ में मैंने एक लहसुन डाला हुआ है और इसमें मैंने भुना जीरा जो होता है ना उसका पाउडर डाला हुआ है और बस ये तड़का लगा दिया है। इसमें मैंने एक बटर की स्पून ऐड कर दी और यहाँ पर मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ फॉर इंस्टाग्राम। मैंने लेमन ऐड कर दिया है और एक अनियन ऐड कर दिया है और ये हमारी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी टर्न आउट हुई थी ये, जीरा राइस के साथ ये बहुत टेस्टी लग रहे थे। सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।